आप मुझे ये बताओ, चलते आ रहे 2020 से चलते आ रहे हैं जो बच्चे, हमने 2021 में मई में ज्वाइन किया था सर, अभी हमें सिर्फ 3-4 महीने हुए काम करते हुए, अचानक से 20 सितंबर को हमारे पास एक नोटिस आता है जिसमें ये लिखा गया था कि 30 सितंबर के बाद जितना भी इमरजेंसी कोविड रिस्पांस में जितना भी स्टाफ लगा है उसको हम टर्मिनेट कर देंगे, डिसएंगेज करेंगे उनकी सर्विस को। सर ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट से, मेरी यही स्टेट मेरा क्वेश्चन है कि हम 1600 बच्चे जो 1600 यूथ जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस में लगा है सर, वो टोटल 1600 बच्चा जाएगा क्या? उनके भविष्य का कोई सोच रहा है? हमारे भविष्य की कोई बात नहीं कर रहा है सर, हमारा भविष्य पूरा पूरा अंधकार में, हम कहाँ जाएंगे इतना बच्चा सर? कोविड में आपने कितना वक्त दिया यहाँ पे? सर हमने अभी तक कोविड में सेकंड पीक जब आई थी, सेकंड वेव आई थी कोविड की, सर हम साथ थे। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं सर जो फर्स्ट वेव से काम कर रहे हैं और जब पहली पीक में आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं सर, हमने अपनी ड्यूटीज पूरी ऑनेस्टी पूरी अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज दी हैं। अभी क्या डिमांड करते हैं सर? हमारी डिमांड बस इतनी डिमांड है सर कि हमें आगे कंटिन्यू किया जाए, जैसे बाकी एनएचएम एम्प्लॉयज कंटिन्यू होते आ रहे हैं अभी तक, हमें भी वैसे कंटिन्यू किया जाए आगे। हमारी ये डिमांड है कि हमें 2 महीने और एक्सटेंशन दे दो, 3 महीने और एक्सटेंशन कर दो ना, हमें परमानेंट कर दो। बस हमारी एक यही अपील है गवर्नर जी से, मेरी इतनी ही अपील है कि हमें आगे कंटिन्यू किया जाए एज पर जब बाकी एनएचएम एम्प्लॉयज है उनकी तरह हमें भी फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन मिलती रहनी चाहिए, बस मेरी इतनी अपील है। रजौरी से बोल रही अरे आपको यहाँ से निकाला गया, क्या कारण है? तो हमें ये आ रही है क्योंकि हमने कल रात को टर्मिनेशन का ऑर्डर निकाल दिया कि इनको सबको बाहर निकाल दिया, उसमें कितने 2020 वाले बच्चे भी और 2021 वाले भी हैं। हमारी ज्वाइनिंग हुई थी अभी, हमें 4 मंथ और 10 डेज हो गए हमें जॉब करते हुए और अभी बोल रहे कि हम इनको टर्मिनेट करते हैं। जो हमारा ऑर्डर नंबर था उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि 3 मंथ के बाद हम आपको निकाल देंगे या हम आपको 6 मंथ के बाद निकाल देंगे। हम अपने कहते गवर्नर साहब से और हम अपने एलजी सर से यही अपील करते हैं कि हमें कंटिन्यू करो, हम नहीं चाहते हमें टर्मिनेट कर दो या फिर हमें एक्सटेंशन दे दो, हमें कंटिन्यू करना है, बस हमें कंटिन्यू जॉब चाहिए, हमारी जो जॉब है हमें वापस मिल जाए, बस सर हम यही चाहते हैं। अगर कंटिन्यू नहीं करते हैं तो? अगर कंटिन्यू नहीं करते हैं हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट में बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं हटने वाले और उसके बाद आज वेंटिलेटर्स के ऊपर चला गया, यहाँ पे मरीजों को बहुत मुश्किल आ रही है और उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम चाहेंगे आपने इन तमाम बच्चों की तब नौकरियां लगाई थी जबकि इन बच्चों को कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही थी और कोई नौकरी करने के लिए